दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को संबोधित किया है, प्रदेशवासियों के लिए किया है ऐलान। तो चलिए सुनते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। प्रिय बहनों और भाइयों, यदि कोरोना को हराना है तो संक्रमण की चेन तोड़ना है और संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए घर पर रहना है, अपने गांव में कोरोना कर्फ्यू लगाते हैं, घर पर ही रहेंगे, शहर में अपनी कॉलोनी या मोहल्ले में कोरोना कर्फ्यू लगा दें, 30 अप्रैल तक घर पर ही रहेंगे। ये युद्ध है जिसे बाहर निकलकर नहीं, घर पर रहकर ही जीता जा सकता है। घर पर रहे, कोरोना हराए। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में मजदूर भाई और बहनों को काम देने की पूरी व्यवस्था की गई है, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में मनरेगा के 21 लाख के आसपास जो अलग अलग काम चल रहे हैं, 21 लाख के आसपास मजदूर नियोजित हैं, उनकी हर संभव सहायता की जाएगी। 3 महीने का निःशुल्क राशन भी उनको दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश से बाहर जाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन यदि मध्यप्रदेश में मजदूर भाई बहन आएंगे भी तो उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनके चाय, नाश्ता, भोजन से लेके जरूरत पड़ने पर काम देने तक सारा इंतजाम करने का हम प्रयास करेंगे ताकि संकट के समय कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। अपने अपने स्तर पर भी हमारे कुछ जनप्रतिनिधि साथीगण, कुछ कलेक्टर्स, वो भी कोशिश कर रहे हैं, उसकी कोशिश भी लगातार जारी है। इन परिस्थितियों में एक प्रधानमंत्री जी ने और बहुत राहत भरी सौगात दी है कि 1 मई से सभी 18 साल से ऊपर की उम्र वालों को टीका लगेगा। भारत सरकार की डिटेल गाइडलाइन आएगी, लेकिन मध्य प्रदेश में 18 साल से ऊपर के उम्र वालों को भी निःशुल्क ही टीका लगाया जाएगा। तो टीकाकरण को भी व्यापक गति देना है। दोस्तों, अभी प्रदेश तथा देश में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और कोरोना से लड़ने के लिए हमें इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना होगा। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए एक एक्सरसाइज बताई गई है। वो भारतीय डॉक्टर हैं जो जापान से रिटर्न है और उनको कोरोना हो गया था। उन्होंने कोरोना को लेकर के एक एक्सरसाइज बताई है। उन्होंने कहा है कि इस एक्सरसाइज से कभी भी सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी, तो ज़रूर देखिएगा वह एक्सरसाइज। तो चलिए देखते हैं उस एक्सरसाइज को आपको क्या करना होगा। मेरे कोविड पॉजिटिव का डे 5 मेरे ट्रीटिंग फिजिशियन डॉक्टर रिजवान उपल ने बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज मुझे बताई है, जो सब कोरोना पेशेंट्स को, चाहे आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, आपने ये एक्सरसाइज करनी है। मैं अभी आपको करके दिखाने लगा हूं। इसका नाम है प्रोनिंग। द कॉन्सेप्ट इज कि आपके लंग्स के, फेफड़ों के निचले हिस्से में जाके कोरोना वायरस बैठता है और वहां वो ऐसा बलगम पैदा करता है जो कि ग्लूई होता है, गोंद की तरह होता है, जो स्टिक कर जाता है, और अगर वो बढ़ जाए उसकी मिकदार तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करता है और बात डेथ तक चली जाती है। उसको, उसका हल क्या है, ये एक्सरसाइज गौर से देखें। ऐसे घुटनों के बल, पांव पीछे, बाजू यहां पे, सर नीचे रख के पूरा सांस मैक्सिमम अंदर खींचना है और खांसी के साथ, छिटके के साथ सांस को बाहर निकालना है। ऐसे में हो सकता है कुछ बलगम भी आपका निकले जिसको आपने क्लीन करते रहना है, लेकिन शायद वो नीचे कोने में कहीं छुपा हुआ कोई उसके जर्रात होंगे, वो भी निकलने जरूरी है। सो ऐसे Thank you.
अच्छा ये जो आप इस वक्त तस्वीरों में पोजीशन देख रहे हैं भी क्रोनिक की पोजीशन है जो कि हॉस्पिटल्स में कराई जाती है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ ये उसकी एक फॉर्म है, ये आप इसको चेस्ट की फिजियो कह सकते हैं, चेस्ट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज कह सकते हैं, लेकिन पोजीशन इसमें भी आपने अपने चेस्ट के बल देखना होता है। देखने में बहुत तकलीफ दे लग रही है लेकिन ये बहुत जरूरी है, पूरा सांस अंदर और झटके से बाहर, ताकि फेफड़ों के निचले हिस्सों से भी आपका वायरस वहां पे अपना असर ना छोड़े। ये जरूर फॉरवर्ड कीजिए तमाम उन बहन भाइयों को जो जो वायरस का शिकार है इस वक्त, कोरोना का ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव, बहुत जरूरी है, प्रोनिंग PRONING। तो इस प्रकार से जानकारियां थी, यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कोरोना से घबराएं नहीं, उसका डटकर मुकाबला करें, इम्यूनिटी बढ़ाएं, हौसला रखें, जरूर कोरोना हारेगा और प्रदेश जीतेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।